आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लान ज्योमेट्री सब्जेक्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना है। इस चैनल पर ड्राइंग एग्जाम का ऑल सिलेबस अवेलेबल है, उसे जरूर देखिए। आज का ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें राउंडर, स्केल और पेंसिल, यह ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आवश्यक हैं। हम पहले इंग्लिश क्वेश्चन को और बाद में हिंदी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है और इस क्वेश्चन को समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन फर्स्ट, पैरेलल लाइंस। एग्जांपल सेकंड, टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट। क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हिंदी उदाहरण। उदाहरण दूसरा, दिए गए रेखा के लंबाई इतने दूरी पर दिए गए रेखा को समांतर रेखा निकालना। प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर लंबाई रेखा AB से 4 सेंटीमीटर दूरी पर AB इस रेखा को समांतर रेखा बनाइए। इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें प्रश्न के अनुसार 8 सेंटीमीटर वाली AB लाइन निकालना है। इस प्रकार से इस पॉइंट को हम नाम देंगे A और इस पॉइंट को बी। इस लाइन का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, वो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद इस ए बी लाइन पर हमें अप्रोक्सीमेटली पी और क्यू बिंदु लेने हैं। यहाँ पर मैं पी बिंदु फर्स्ट वाला लेता हूँ और यहाँ पर क्यू बिंदु। ये दोनों बिंदु हमें कैसे लेने हैं? अप्रोक्सीमेटली लेने हैं। उसके बाद P और Q बिंदु पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर हमें एक लंब निकालना है, यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कृति करने वाले हैं, तो राउंडर का ये जो स्टील वाला पॉइंट है, मैंने पी बिंदु पर रखकर एक लेफ्ट को और एक राइट को ऐसे दो आर्क बनाए। क्यू बिंदु पर भी इस तरह के आर्क हमें निकालने हैं, 1 और 2। ये दोनों आर्क ए बी लाइन को क्रॉस कर गए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर हमें पॉइंट मिले हैं, उसको हमने डार्क किया है, क्लियर किया है। अब हमें पहले वाले बिंदु पर राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर पी बिंदु से थोड़ा ज़्यादा इसमें डिस्टेंस लेकर हमें ए बी लाइन के ऊपर वाले हिस्से पर एक आर्क बनाना है और दूसरे वाले बिंदु से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। इस प्रकार से इस प्रकार के आर्क हमें यहाँ पर बनाने हैं। पहले वाले बिंदु से पहला आर्क, दूसरे वाले बिंदु से दूसरा आर्क। ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं। जहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया है वहाँ बिंदु मिला है, उसे हम डार्क करेंगे, क्लियर करेंगे। इस प्रकार से अब हमें ये मिले हुए बिंदु, ये बिंदु और पी बिंदु, इनको लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से ए बी लाइन पर हमें पी बिंदु से और क्यू बिंदु से परपेंडिकुलर मिला है, लंब मिला है। अब हमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ए बी लाइन से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक दूसरी लाइन निकालनी है, वो लाइन
AB लाइन को पैरेलल होगी। तो क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है वो पैरेलल लाइन का, इसलिए हमने राउंडर में जो डिस्टेंस लेना है वो 4 सेंटीमीटर लेना है। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम राउंडर में लेंगे और पी बिंदु पर राउंडर का ये स्टील वाला पॉइंट रखकर इस परपेंडिकुलर पर एक हॉरिजॉन्टल आर्क बनाएंगे इस प्रकार से, और क्यू बिंदु से दूसरा आर्क बनाएंगे इस प्रकार से। ये दोनों आर्क इस लंब को छेद कर गए हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट डार्क किए, पहले पॉइंट को हमें नाम देना है सी, दूसरे पॉइंट को नाम देना है डी, और ये दोनों पॉइंट लाइन की मदद से जोड़ने हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने AB लाइन को पैरेलल CD लाइन निकाली है, यानी कि AB रेखा को CD रेखा समांतर निकाली है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बच्चों, आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, मैं जरूर आपके क्वेश्चन पर रिप्लाई दूंगा, आपकी समस्या पर रिप्लाई। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।